आज की पांच बड़ी खबरें फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर एक, दिल्ली हॉस्पिटल फायरिंग। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में गोलीबारी। तीन बदमाशों ने मरीज को गोलियों से भूनकर मार डाला। दिनदहाड़े एक मरीज को गोलियों से भूनकर मारने के मामले में सुरक्षा व्यवस्था सवाल खड़े हो गए हैं। एक बड़े सरकारी अस्पताल में हुई इस तरह की घटना काफी डराने और हैरान करने वाली है। अस्पताल में घुसकर मरीज को मारने की घटना में पुलिस जांच कर रही है। अस्पताल में मौत के बाद अन्य मरीज काफी खौफ में दिख रहे हैं। नंबर दो, बीजेपी प्रेसिडेंट इलेक्शन। भाजपा को कब मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, हो गया कंफर्म। बीजेपी प्रेसिडेंट इलेक्शन 2024, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 को खत्म होने वाला है। अब उन्हें सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके चलते भाजपा अब नए अध्यक्ष की तलाश में है। भाजपा का लक्ष्य इस साल दिसंबर तक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति करना है, जिसके लिए अब पार्टी में हलचल तेज हो गई है। नंबर तीन, पाकिस्तान की गीदड़ भभकी। कहां अगर भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आई तो अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होगा। टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान के करनी है। ऐसे में कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ICC से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के वेन्यू में बदलाव की मांग की है। बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल में टूर्नामेंट का आयोजन कराने का आग्रह भी किया है। नंबर चार, जीतन राम मांझी। मांझी ने केंद्र सरकार से कर दी सबसे मुश्किल डिमांड, क्या इच्छा पूरी करेंगे पीएम मोदी। बिहार पॉलिटिक्स, जीतन राम मांझी ने केंद्र सरकार के सामने अब तक की सबसे मुश्किल डिमांड रख दी है। जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्र को मगही भाषा पर ध्यान देना चाहिए, इसका विकास होना चाहिए। मैं बिहार के लोगों से कहता हूं कि वे अधिक से अधिक मगही बोले और केंद्र सरकार इसे 8वीं अनुसूची में शामिल करे। केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी ने केंद्र सरकार के सामने अब तक की सबसे मुश्किल डिमांड रख दी है। जीतन राम मांझी की इस डिमांड को मानना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल ही नहीं, असंभव जैसा होगा। केंद्र सरकार शायद ही इस डिमांड को मानने को राजी हो। नंबर पाँच, बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। BSF पर बोला हमला तो जवानों ने जवाबी फायरिंग कर खदेड़ा। वेस्ट बंगाल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने बांग्लादेश की सीमा पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया, जहां 10 से 15 बांग्लादेशी अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। घुसपैठियों ने BSF के जवानों पर हमला भी बोल दिया, जिसके बाद BSF के जवानों ने आत्मरक्षा में फायरिंग की और उन्हें वापस खदेड़ दिया। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि घुसपैठियों व दलालों ने ड्यूटी पर तैनात BSF जवान पर धारदार हथियारों से घातक हमला कर बलपूर्वक घुसपैठ की कोशिश की। इसके बाद जवान ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसके बाद सभी बांग्लादेशी घुसपैठिये वापस भाग खड़े हुए। मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर रखें, साथ ही साथ फ्लैश न्यूज को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबाएं, ताकि हर पल की अपडेट आपको मिलती रहे।